Welcome students, I'm Rafia Khan, Faculty of School of Education. Today I'm recording this lecture for the student of MEd second semester whose course title is Teacher Education. So my today's topic is from Unit 5th, which is Accreditation of Teacher Education Institution. Before we move on the next slide, let's get familiar with the word accreditation. Accreditation hota kya? Simply, accreditation is the act of granting credit or recognition. Here, the teacher education institution needs to get recognition in order to prove that they meet a general standard of quality. You know what it is necessary for any institution to get recognition? For example, if an institution gets a good grade, it simply means that that institution has maintained a suitable standard. Accreditation of teacher education institution means टीचर एजुकेशन को एक्रीडेट करना, क्रेडिट करना या रिकॉग्निशन देना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंट्रोडक्शन. व्हाट इज टीचर एजुकेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचर एजुकेशन, ये मैं नहीं बताऊंगी. व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल इन अवर क्लासरूम टीचर एजुकेशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है. बट इन ब्रीफ लेट मी रिकॉल, द पर्पस ऑफ टीचर एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस टीचर्स हु हैव अ कॉम्पिटेंसी इन वेरियस फील्ड. Now, you know what? The time is gone now. The role of teacher is no more confined to a particular classroom to impart knowledge. But here, the teacher must have professional ethics, new skills of teaching, and must know the importance of imparting moral values. You know what? In fact, they don't have to play a single role here. They have to play a multitasking role here in order to cater the emerging needs of the contemporary society. So here the accreditation of these institution gets more importance. ये हमें quality देखनी है तो हाँ, पर इन institution का accreditation करना ज्यादा जरूरी है. So what the purpose of the accreditation? The purpose of accreditation of these institution is to find out how far they have achieved quality and excellence. ठीक है, कितना इतने quality achieve की है, कितने हद तक अच्छा किया है. तो टीचर एजुकेशन, हमने कहा कि टीचर एजुकेशन हमें पता है क्या होता है, उसका पर्पसेस क्या होते हैं. अब वो पुराना वक्त चला गया कि टीचर एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ा रहा है, बस किताब से नॉलेज जो है वो इंपॉर्ट कर दी स्टूडेंट्स को. सिर्फ टीचर का ये काम नहीं है, टीचर के और काम भी हैं. उस नॉलेज को जो आप बच्चों को इम्पॉर्ट कर रहे हैं, वो आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि एज वी ऑलरेडी नो, there is an individual difference in the classroom. Even the twins have 0.22 difference. तो हर किसी को आप एक तरह से नहीं पढ़ा सकते. तो एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखने के लिए कुछ स्किल्स अक्वायर करना जरूरी है. To understand the individual difference, the knowledge of child psychology is very important for the teacher. तो अगर एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको बना रहे हैं, तो वो हम ऐसे नहीं है. हम कुछ कुछ सेट क्राइटेरियाज हैं, कुछ सेट नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब का फुलफिल करना जरूरी है. क्या जो टीचर प्रोड्यूस होकर उस इंस्टीट्यूशन से बाहर आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, क्या वाकई वो आउटपुट इस काबिल है कि वो सोसाइटी में आके सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल कर सके? ये जो प्रोसेस होता है कि हाँ, कि एक इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक इंस्टीट्यूशन जो है एस्टैब्लिश किया है, तो हम किसी से कहते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लीजिए क्योंकि हम अच्छे हैं, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं ना. क्यों भाई? आपको क्या पता वो अच्छा है कि नहीं है? एक इंस्टीट्यूशन अच्छा है, वहाँ क्वालिटी अच्छी है, ये जानने के लिए हमें जो यकीन करना है वो करना है उसकी एक्रेडिटेशन पे. क्या उसको कैसे एक्रेडिट किया गया और क्या उसका ग्रेड क्या है? क्या है कि NAAC ने कुछ स्टैंडर्ड रखे हैं जिस बेसिस पे वो क्या करता है, वो इंस्टीट्यूशन को जज करता है, एक्रेडिट करता है, उसको असेस करता है, असेस करने के बाद फाइनली वो उसको ग्रेड देता है. तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, टीचर इंस्टीट्यूशंस को, उनके क्वालिटी के लिए, उनके एक्सीलेंस के लिए जो असेस किया जाता है वो क्या होता है? एक्रेडिटेशन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द मेथोडोलॉजी ऑफ एक्रेडिटेशन. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज को याद रखना इज नॉट पॉसिबल. आप एग्जामिनेशन के लिए तो हर क्राइटेरिया के हर चीज से याद रख लेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आपको समझना है एक्रेडिटेशन क्या है, तो आप इसको समझ लीजिए. ठीक है, द मेथोडोलॉजी ऑफ एक्रेडिटेशन.
ये आपको समझना है, इसमें तीन स्टेज प्रोसेस हैं, थ्री स्टेज प्रोसेस फॉर असेसमेंट एंड एक्रीडेशन एज फॉलो। फर्स्ट है आपका द सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट, सेकेंड वैलिडेशन ऑफ द सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट एंड थर्ड एट द एंड ऑफ द विजिट। अब इसको आप देखें, फर्स्ट सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ द सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट बाय द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर सबमिशन टू नैक। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब आपको हर मैंने आपको बताया कि हर इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन टू गेट एक्रेडिटेड। तो उसका लिए कुछ प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना पड़ता है। पहले आप एक फॉर्म फिल करेंगे, आप नैक को ये सबमिट करेंगे कि हम एक्रेडिट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक प्रोसेस करेंगे। जब वो अप्रूव हो जाएगा, फिर जो आपको स्टेप पहला स्टेप उठाना है, वो स्टेप उठाना है सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट। आपको सेल्फ अप्रेजल यहाँ पर क्या हो गया, आप अपनी वर्थ को असेस कर रहे हैं, ठीक है, टू असेस वंस ओन वर्थ। तो एक इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करेगा, सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट ऐसे नहीं बनती है, सिक्स या सेवन क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या किया जाता है, जो ये रिपोर्ट है सेल्फ सेट नैक की तरफ से, एक सेवन क्राइटेरिया सेट होते हैं, उस सेवन क्राइटेरिया के बेसिस पर हर इंस्टीट्यूशन क्या करता है, उसको उस क्राइटेरिया को फिल करता है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, उसको डेटा प्रोवाइड करता है। तो पहला काम जो एक इंस्टीट्यूशन का होता है, अगर उसको चाहिए कि वो नैक अप्रूवल ले, तो वो उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले खुद एक रिपोर्ट बनाएगा। वो रिपोर्ट ऐसे नहीं बनाएगा, वो भी एक सेट रिपोर्ट होती है, कुछ सेवन क्राइटेरियाज होते हैं नैक की तरफ से, उस सेवन क्राइटेरियाज के बेसिस पे वो क्या करता है, अपनी एक सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। वो सारा उसके साथ प्रूफ लगाता है, उस डेटा को फिल करता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में आपको ये नहीं है कि आपको बस एक महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर जो है इजिली बन जाएगी, समटाइम इट विल टेक, एक साल भी लग सकता है आपको, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यहाँ पर क्या किया जाता है कि हर जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को हर डिपार्टमेंट के बेसिस पर, ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशन ओवरऑल भेजता है, हर डिपार्टमेंट का लेने के बाद वो ओवरऑल बनाकर जो है इसको रिपोर्ट को सबमिट करता है। तो ये बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसमें पूरे सेवन क्राइटेरियाज के बेसिस पे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका आ जाएगा, स्टूडेंट्स के बारे में भी आ जाएगा, आपके टीचर्स के बारे में भी आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आ जाएगा, सबके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, फिर नैक को भेजा जाता है, नैक को सबमिशन किया जाता है फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आपका, हम आपको ही कोई रिपोर्ट भेजता है, तो आप उस रिपोर्ट को लेने के बाद आप उनको ग्रेड दे देंगे, अब मान लेंगे जो उन्होंने कहा है वो सही है, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। तो क्या होता है कि जो रिपोर्ट इंस्टीट्यूशन नैक को भेजती है, उस रिपोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो बैकबोन होता है पूरे प्रोसेस का। उस रिपोर्ट को आप क्या करती है, एक नैक क्या करती है, अपनी एक टीम बनाती है, एक पीयर विजिटिंग टीम बनाती है। ये जो जो विजिट टीम होती है, इसमें मे बी चार या पांच, तीन चार ऐसे लोग होते ही हैं, और ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं, और बहुत अच्छे लोग लिए जाते हैं, कहीं पर वाइस चांसलर भी होते हैं, कहीं प्रोफेसर भी होते हैं। तो इनकी एक टीम बनती है, अलग अलग स्टेट से लिए जाते हैं, इनकी ये टीम जब प्रिपेयर होती है, तो इस टीम को क्या किया जाता है, उस इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है। ये टीम क्या करती है, जो सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट होती है उसके साथ, उसको पहले पूरा असेस करने के बाद, पूरा रिव्यू करने के बाद, वो टीम उस रिपोर्ट के साथ उस इंस्टीट्यूशन में आती है, किसके लिए, वैलिडेशन के लिए। भाई जो आपने रिपोर्ट दी है, क्या वो वैलिड है, क्या वो सही है, कि आपने झूठ ही बोल दिया, ठीक है ना। जो रिपोर्ट आपने दी, उसकी वैलिडेशन के लिए, उसके प्रूफ्स देखने के लिए, क्या वो सच है, जानने के लिए ये टीम क्या करती है, आपके इंस्टीट्यूशन में आती है। ये ज्यादा से ज्यादा 3 दिन या 4 दिन रहती है, ठीक है। ये 4 दिन में सारा जो ये जितने भी क्राइटेरियाज, उसके अकॉर्डिंगली हर डिपार्टमेंट विजिट करती है, हर चीज देखती है, किसी दिन इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, किसी दिन वो एकेडमिक फील्ड में जाती है, रिसर्च देखती है, किसी दिन वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। तो ये सारा वो अपना टाइम फिक्स करते हैं, उनकी इनकी अकॉर्डिंगली होता है कि किस दिन क्या देखना है, कितना देखना है, कितने टाइम से कितने तक देखना है, ये सारा वो फिक्स करती है। उसके बाद आफ्टर द एंड वो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जो उनका होता है, वो क्या होता है, वैलिडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। पहली चीज कि वो डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी जो है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जो है, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन,
तो एक इंस्टीट्यूशन जो है क्या वो करेगा, सबसे पहले अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द 7 क्राइटेरिया। वो रिपोर्ट वो किसको भेजेगा, नैक को सबमिट करेगा। नैक जो है उस रिपोर्ट को रिव्यू करेगी, असेस करेगी, और उसके बाद वो चीज़ सही है, जो रिपोर्ट है वो सच्ची है, उसके वैलिडेशन के लिए कुछ पीयर विजिटिंग टीम बनाई जाएगी। वो जो टीम है वो इंस्टीट्यूशन आएगी, आने के बाद उसकी वैलिडेशन को देखेगी। जब वो पूरी टीम देखने के बाद लास्ट स्टेप आता है एट द एंड ऑफ द विजिट, ये हो जाती है आपका लास्ट। लास्ट स्टेप क्या होता है कि बेस्ड ऑन द सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट एंड द एविडेंस गैदर्ड, द पी टीम मेक्स अ कलेक्टिव जजमेंट ऑन द एक्रेडिटेशन स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो अप्रेजल रिपोर्ट है उसके बेसिस पर और जो उसका एविडेंस वो देखते हैं जाकर, अगर कह रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये फैसिलिटी है तो वो उस डिपार्टमेंट में जाकर देखें वाकई ये फैसिलिटीज हैं, तो वो डेटा जो गैदर करते हैं, वो जो एविडेंस वो जो गैदर करते हैं, और सर रिपोर्ट जो सर अप्रेजल रिपोर्ट होती है, उन सब के बेसिस पर वो क्या करते हैं, कलेक्टिव जजमेंट बनाते हैं। तो इसमें नैक पे टीम क्या करती है, एट द एंड ऑफ द डे जो रिपोर्ट बनाती है वो रिपोर्ट में वो अप्रेजल रिपोर्ट को भी देखते हैं, एविडेंसेस को भी देखते हैं, वो आपस में एक दूसरे को जो रिकमेंड करते हैं उनकी बातों को भी ध्यान में रखने के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूशन के सामने पड़ी जाती है। उस पर्टिकुलर डे पे वो ग्रेड नहीं देते, उसके बाद वो टीम चली जाती है। वो जो टीम जाने के बाद मिनिमम 15 डेज और उससे भी ज़्यादा भी लग सकते हैं, 15-20 या 1 मंथ के अंदर जो है वो ग्रेड जो है वो ग्रेड रिवील करते हैं इंस्टीट्यूशन को। वो जो ग्रेड है वो ग्रेड किस बेसिस पे होगी कि कुछ जो मैंने आपका कहा कि कुछ क्राइटेरिया हैं, वो जो 7 क्राइटेरियाज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो 7 क्राइटेरियाज में उन्होंने क्या किया होते हैं, मार्क्स दिए होते हैं। उस मार्क्स के बेसिस पे वो देखते हैं कि एक क्राइटेरिया में इस इंस्टीट्यूशन ने आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स लिए। तो वो मार्क्स जो है वो सारे जो है जो एड करने के बाद ऑन दैट बेसिस वो ग्रेड देते हैं। ग्रेड बी भी हो सकती है, बी प्लस बी, बी प्लस प्लस बी, ए बी, ए प्लस प्लस बी। तो ये डिपेंड करती है कि आपका इंस्टीट्यूशन क्वालिटी और एक्सेलेंस में कितना अच्छा था। अगर आपकी ग्रेड अच्छी है तो यहाँ से पता चलता है कि इस इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी जो है, जो भी ओवरऑल क्वालिटी है वो एक्सेलेंस है, जो क्वालिटी ऑफ एक्सेलेंस है वो अच्छा है। ठीक है, तो ये जो ग्रेड है ये फॉरएवर के लिए नहीं होती, क्योंकि अगर हम ये ग्रेड फॉरएवर के लिए दे देंगे तो स्कोप ऑफ ये जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं रहेगा। इसीलिए जो नैक ये ग्रेड देती है, ये देती है कितने देर के लिए, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स आप क्या कर सकते हैं, आपको फिर जो है अपने एक्रेडिटेशन के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ग्रेड अच्छी नहीं आई है तो आपको लगता है कि हमें बहुत लॉट ऑफ स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट, तो आप क्या करेंगे, आप हर 5 साल के बाद तो होता ही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी ग्रेड अच्छी नहीं है इन केस, तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप 3 साल के अंदर अंदर भी अपने इंस्टीट्यूशन को एक बार और एक्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन वो इसी बेसिस पे जब आप अपने इंस्टीट्यूशन का को इम्प्रूव कर लें, वो जो कमियां जो पहले रह चुकी हैं उसको ठीक करके आप 3 साल के अंदर फिर जो है नैक की ग्रेड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर एवरी 5 ईयर्स यू हैव टू अप्लाई फॉर द एक्रेडिटेशन फॉर द ग्रेड बाई नैक। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो नेक्स्ट हमारे पास 7 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे ये सारा काम किया जाता है, ये एक्रेडिटेशन होती है, आई विल डिस्कस दो 7 क्राइटेरियाज ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।